करबा एक बड़ खबर बालेश्वर खैरा रे कलरा पतरिया बाघ आतंक खबर आसुची। खैरा बजार निकटस्थ गड़ गाँव में कलरा पतरिया बाघ आतंक देखा मिलू। ए कलरा पतरिया बाघ आक्रमण में चारि जन आहत होती, जड़े महिला और तीन जन पुरुष मेडिकल आहत हो भर्ती होता जमापड़ी। घर निकटस्थ बाड़ी में काम करुवा समय कलरा पतरिया बाघ आक्रमण कर सूचना रही। जहां सूचना रही बालेश्वर खैरा रे कलरा पतरिया बाघ आतंक खबर सामना को आसुची। खैरा बजार निकटस्थ गड़ गाँव में लोक माने निज घर निकट में थिबा बाड़ी रे काम करुवा समय कलरा पतरिया बाघ आक्रमण करथिबा जना पड़ी। आउ बाघ आक्रमण में चारि जन आहत होती, जो मानक भितर जड़े महिला और तीन जन पुरुष रही। समस्त मेडिकल चिकित्सा निमंत भर्ती करा सूचना रही। आपण विजुअल देखिपे जे कलरा पतरिया बाघटी केमी जो पछ घर पछपटे बिल में दौड़ी पलाई चेष्टा करवर्त समय घटन चारिज आहत होता से चिकित्सा निम्ते मेडिकल भर्ती कर सूचना रही। बालेश्वर खैरा रे कलरा पतरिया बाघ आतंक देखाई। बाघ आतंक खबर सबुआड़े प्रसारित होगापर स्थानीय अंचल एक प्रकार भयर वातावरण रही। बाघ को नहीं स्थानीय लोक माने तुरंत बाघ को सेठारु अन्य स्थान को स्थानांतर करने दावी करुवा बेले बाघ आक्रमण खबर स्थानीय अंचल एक प्रकार भयर वातावरण सृष्टि कर। विजुअल माध्यम से देखिपुट न्यूज18 ओडिया एक्सक्लूसिव आम विजुअल देखा आपन को बालेश्वर खैरा रे कलरा पतरिया बाघ आतंक खबर सामना को आसुची। बाघटी किभली भाव में क्षिप्र गति में दौड़ी पलाऊ तार चित्र देखिपुटे। लोक मैंने बाघ को देखापुर जी भय रही बाघ को निज मोबाइल ने वीडियो करी रेकॉर्ड करने चेष्टा करुछंती। तबे संपर्क में अधिक सूचना पाई आम लोकल 18 प्रतिनिधि उमाकांत रही फोनलाइन। उमाकांत, जो भाव में बाघ आतंक खबर बालेश्वर खैरा अंचल सामना को आसुची, कौन अपडेट रही है आहतों अवस्था वर्तमान किभली रही? निश्चित भाव में देखो तपन, आज बारघटिया समय एक बाघर आतंक जहाँ खैरा अंचल देखा मिलता, जदिव प्रथम प्रथम जापार ग्रामवासी मैंने परवर्त समय जानवाक पाइले कलरा पतरिया बाघ बोली। कि बाघ आक्रमण में बर्तमान सुधा पांच जन आहत अच्छा, तीन जन बर्तमान भद्रक मेडिकल भर्ती होता बेले बर्तमान दुई जन खैरा मेडिकल भर्ती होती। कि सब बड़ कथा हो जो बाघ क्योंठ आसला बर्तमान सुधा तो जमापड़ी, कितु आक्रमण जो पांच जन जड़े वन कर्मचारी थी जहाँ सूचना मिलू। कि जितेबले आज बाघ को घोड़ा ग्रामवासी मैंने चेषा कले से विभिन्न कार गुआड़ घरे गुआड़ घरे पति जाता तो आ का घरे पति जाता, कितु बर्तमान सुधा वन विभाग एवं ग्रामवासी मैंने घोड़ा धरिया जालर मान जाल पका किंतु घटनास्थल पहुंचला कि वन विभाग घटनास्थल जदि पहुंची तेज बाघ को किभली भाव में अन्य स्थान को स्थानांतर कराघर अवस्थिति कौन से संपर्क में किसी सूचना मिलला? निश्चित भाव में देखो बर्तमान जहाँ सूचना मिली वन विभाग और ग्रामवासी मैंने बाघ को धरिया चेष्टा करु बाघ मानने हाबुड़े करूना जिते पूरा प्रयास करु बाघ जंगल को पड़ जाऊँ जो एवं क्या गुआल घर पशि जाऊँगी से धरिया असफल होती। सब कथा जाल मध्यम धरिया चेषा करु अन्न किसी पाखे कौन धरिया बाघ को धरिया किसी सामग्री जेहेतु ना केवल ही जाल ही व्यवहार कर वन विभाग और ग्रामवासी मैंने भयभीत अवस्था रही सूचना मिली। केते जन वन विभाग रे टीम रही जो मैंने बाघ को धरने घटनास्थल में पहुंची? देखो वर्तमान पाखापाखि दस रु ऊर्ध वन विभाग कर्मचारी अच्छा, ता सहित जी वर्तमान जे रेंजर उपस्थित अच्छा। जदि बाघ को जदि आज धरी न पाती तेल नीलगिरी अंचल कुल्ढिया अभयारण्य जो अच्छा जो वन विभाग कर्मचारी मैंने आसवे और जेहेतु ग्रामवासी मैंने भयभीत अवस्था अच्छा छोट पिला नहीं जो घरे रोच कौन किसी अघटन न घटा बर्तमान वन विभाग आहरी फोर्स मगे केते समय धरी यह भाव में बाघ आतंक बालेश्वर खैरा अंचल सृष्टि एवं वर्तमान बाघ को धरने वन विभाग जेहेतु चेष्टा करुची आहुरी उन्नत भाव में किभली व्यवस्था करा जिबो जनता अणा जिबो ना अन्य किसी व्यवस्था करा जिबो ट्रांकुलाइजर किसी व्यवस्था करा जिबो कि ए संपर्क में वन विभाग किसी चिंता कला?
ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଘକୁ କେବଳ ଜାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବାଘକୁ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବଡ ବଡ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉମାକାନ୍ତ, ଆପଣ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବନ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି ଏବଂ ବାଘକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଧରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି ବନ ବିଭାଗର ତରଫରୁ, ବାଘକୁ କିଭଳି କାବୁ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରା ନିକଟରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ବାଘକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି।